हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीकली प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको इस साल बहुत तरक्की दे, सुख समृद्धि दे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपके सिर पे आपके माँ बाप का साया हमेशा बना रहे और आप अपने हार्ड वर्क से नए आयाम स्थापित करो। इन्हीं सब दुआओं के साथ मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो है, यानी कि फर्स्ट वीक का वीडियो है 2022 का, यानी वीकली प्रेडिक्शन का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी 2022 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक। मैं अपने नए दर्शकों को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके मून साइन से, आपके सन साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीस असेंडेंस, मेष लगन के लिए कैसा रहेगा ये वीक। From 3 जनवरी to 9 जनवरी यू नीड टू बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। मंडे ट्यूसडे स्पेशली आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। किसी भी वेलबींग के साथ उलझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना, किसी के साथ बैसा बसाई नहीं करनी, किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी। मंडे और ट्यूसडे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को लेकर भी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर भी। सोर्स ऑफ अर्निंग बनता रहेगा लेकिन मन परेशान रहेगा, दुविधा में रहोगे, किसी ना किसी डिसीजन को लेकर आप थोड़े से अनबैलेंसिंग हो सकते हो, घर का माहौल ख़राब हो सकता है, घर के किसी फैमिली मेम्बर के साथ डिस्प्यूट हो सकता है या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वेनसडे थर्सडे प्रोफेशनली आप बड़ा ग्रो करेंगे, सीनियर्स के साथ आपकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको नई जॉब का ऑफर होगा। एरिस ये वीक स्पेशली मंडे और थर्सडे आपके लिए फाइनेंशियल टाइप्स को लेकर बड़ा अच्छा है। अगर आप नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप वेनसडे थर्सडे को कर सकते हैं, अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेनसडे थर्सडे को कर सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपकी हेल्थ फाइन रहेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बेल्ट होंगे, हर तरह से आपको खुशियां मिलेंगी, आप अपनी फैमिली के साथ शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हो। वेल्थ हेल्थ आपकी अच्छी होने की वजह से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, आपके द्वारा किया गया हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सीनियर्स के साथ आपकी बड़ी अच्छी बनेगी, क्लीग्स के साथ आपकी बड़ी अच्छी बनेगी, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़ा खुश होंगे, मार्केट से आप बड़ा अच्छा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। फ्राइडे सैटरडे यानी वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर कर लें, आपकी हेल्थ बड़ी पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, नई नई प्लानिंग्स आपके दिमाग में आएगी, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिल जाएगी, लोन अगर चाहते हैं तो लोन आपका क्लिक हो जाएगा। यह सारा समय आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा। सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को अपनी हेल्थ का और अपने वेलबींग्स के साथ अपने रिश्तों का आपने ध्यान रख के चलना है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, एक अच्छा मूवमेंट लेकर आएगा, एक अच्छे इवेंट्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2022 का जो फोरकास्ट है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे आप स्काई हाई रहेंगे, आपके द्वारा रुके हुए काम आपके क्लिक हो जाएंगे, फाइनेंस आपका अच्छा होगा, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, हर तरह से खुशियाँ आपको मिलेंगी, आपके सीनियर्स के साथ आपके टाई अप बड़े अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपको जो भी काम मिलेगा, जो भी सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, किसी के साथ आपने किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, थोड़ा केयरफुल होकर चलें। वेनसडे थर्सडे आप मार्केट से अच्छा बिजनेस निकालेंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं या इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो ये टाइम आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, कोई अच्छा खासा प्रॉफिट आपको विदेश से हो सकता है, फाइनेंस आपका एक्सेलेंट रहेगा, आपकी फैमिली आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस में इवेंट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन स्ट्रगल और हार्डवर्क साथ में चलता रहेगा, ईजी इज नॉट पॉसिबल, यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स 100% एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, देन यू विल गेट 50% रिजल्ट, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड वक्री हैं और वो आपके लगन के लॉर्ड सेजिटेरियस साइन में आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेट हैं। तो ये समय कहीं ना कहीं आप किसी से आपको धोखा मिल सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है या आपका कोई नुकसान हो सकता है, तो इन चीज़ों की ओर भी आप अवेयर होके चलें। देखें, मून के ऊपर हमारा ये वीडियो है,
वीकली प्रेडिक्शंस का, लेकिन असेंडस को हम भूल नहीं सकते। असेंडस लॉर्ड का ट्रांजिट कहाँ पर हो रहा है, तो आपके अष्टम भाव में आपके साथ कोई छल कपट हो सकता है, कोई फरेब हो सकता है, या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कोई कर सकता है जिस वजह से आप किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा बन सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, कानूनी दाव पेच से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फाइनेंस को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ये वीक आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। वीकेंड आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होगा, हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगी, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, फैमिली के साथ टाई अप आपके अच्छे ना होंगे, माइंड आपका थोड़ा परेशान रहेगा या कन्फ्यूज़ रहेगा कि कौन सा डिसीजन लें कौन सा ना लें, आपको समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंस की। 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2022 आपके लिए जेमिनी एसेंडेंस मंडे ट्यूसडे बहुत अच्छा है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे, फॉरेन से कुछ आपको खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखी है तो आपको पीआर मिल सकती है, अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है। ये सारा समय आपके लिए खुशियां लेकर आएगा, रिवार्ड्स लेकर आएगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आएगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ये भी हो सकता है कि कोई विदेश से आपके साथ पार्टनरशिप कर ले या विदेश से कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर ले जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। सोर्स ऑफ अर्निंग आपका मल्टीपल सोर्स से रहेगा, हर तरफ से आपको खुशियाँ नसीब होंगी। वेनसडे थर्सडे आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या मदर के साथ टाई अप आपके बिगड़ सकते हैं, मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। मन की स्थिति थोड़ी सी परेशान रहेगी, मन का आपका डावाडोल रहेगा, फीलिंग्स जो होगी उसकी कोई कदर नहीं होगी, आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं करेगा आपके घर में या आपके वर्क प्लेस पे, आप काफी डिसहार्टेड रहेंगे। कोई नया डिसीजन वेनसडे थर्सडे ना लें, कोई नई इन्वेस्टमेंट वेनसडे थर्सडे ना करें, किसी को पैसा ना उधारी दें, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करें, कोई नई डील साइन ना करें, अदरवाइज आप किसी ना किसी उलझन में फंस जाएंगे। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए प्रॉमिसिंग है, गुप्त सोर्स से आपको फाइनेंस मिलेगा, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी, ओपन एनिमी कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, कंपिटिटर आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे और आपके द्वारा आप बुलंदियां हासिल करेंगे। जेमिनी फ्राइडे सैटरडे कुछ नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको हर तरह से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कैंसर असेंडेंस। 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2022 का जो फोरकास्ट है वो आपके सामने पेश है। मंडे ट्यूसडे आपको बिजनेस से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, हायर अथॉरिटी की आपको सपोर्ट मिलेगी, सोशल सर्कल आपका वाइल्ड होगा, दोस्तों के साथ या ग्रुप गैदरिंग के थ्रू आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ जाएगा, दोस्तों के साथ बड़े अच्छे टाई अप होंगे, कोई दोस्त आपको बड़ी अच्छी एडवाइस दे सकता है। ये सारा समय आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी रहेगी, आपके टाई अप बड़े अच्छे होंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं तो मंडे ट्यूसडे आपके लिए बहुत अच्छा है। वेनसडे थर्सडे आपको हर तरफ से खुशियां मिलेंगी, आपका फाइनेंस अपग्रेड होगा, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, हर एक तरह से आप इंटरटेन अपने आप को करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पर आप जा सकते हैं, फैमिली के साथ टाई अप आपके एक्सीलेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर फादर की ब्लेसिंग्स आप जितनी ज़्यादा लेते रहेंगे, फादर की बातों को जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज्यादा ये टाइम आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फादर की बेकदरी ना करें, जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट आप अपने फादर को देंगे उतना ज्यादा फॉर्चून आपका शाइन करेगा। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होंगी। और यह भी हो सकता है कि आप फ्राइडे सैटरडे को जरूरतमंद लोगों को कुछ चैरिटी करें, रिलीजियस एक्टिविटीज करें, या कोई होली प्लेस पर आप विजिट करें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा। इस सारे वीक में हनुमान चालीसा रोज रात को पढ़ते रहें, हर रोज सुबह शिव चालीसा का उच्चारण करें, आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपको हर एक तरह का सुख समृद्धि मिलेगी। अब बात करते हैं लियो सैंडस। लियो सैंडस 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच आपका कोई मेजर काम क्लिक होगा, स्पेशली मंडे ट्यूसडे आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स फ्रूटफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, सेविंग्स आपकी राइज होगी, फाइनेंस आपका अपग्रेड होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बिल्ट होंगे, स्पाउस से आपको सपोर्ट मिलेगी, लव्ड वन से आपको सपोर्ट मिलेगी, हर तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी, आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स फ्रूटफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट होंगे, आप नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या फॉरेन ट्रिप प्लान कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं या वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है। वेनसडे थर्सडे आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ट होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आपको कामयाबी मिलेगी,
हर तरफ से आपको खुशियां नसीब होंगी, हर एक तरफ से आपको मॉनेटरी गेन्स मिलेंगे, रुके हुए काम आपके होंगे। अगर आप व्हीकल सेल परचेस करते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं या लीकर शॉप है आपकी, तो इस समय में आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होने की वजह से मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, खुशियाँ आपको नसीब होंगी। फ्राइडे सैटरडे आप अपनी फैमिली के साथ शॉर्ट जर्नी प्लान करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगी। ये सारा वीक आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। घर का माहौल बड़ा अच्छा बना रहेगा। घर के माहौल के अच्छे होने की वजह से आपके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट वर्गो सैंडस। वर्गो सैंडस फ्रॉम 3rd January to 9th of January, मंडे एंड ट्यूजडे, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना, किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना, किसी के साथ गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। कुछ भी गलत वे ऑफ टॉकिंग इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप गलत वे ऑफ टॉकिंग इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, चीज़ें वैसे ना होंगी जैसे होनी चाहिए। खास करके सीनियर्स के साथ वर्क प्लेस पे यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग। अपने भाई बहनों के साथ यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग। वेनसडे थर्सडे सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बड़े अच्छे रहेंगे। फाइनेंस आपका अपग्रेड होगा, हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, वेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, सेविंग्स आपकी राइज होगी, पुराना कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, नया लोन लेना चाहते हैं तो वो क्लिक हो जाएगा। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स होती हुई दिख रही हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ट होती हुई दिख रही है। हर तरह से आपको मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा, दोस्तों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस। लिब्रा सैंडस इस वीक 3rd January से 9th of January के बीच मंडे ट्यूसडे आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपकी कोई यू नो प्लेस चेंज होने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं, जो कि होने वाला है मंडे और ट्यूसडे को। हो सकता है प्रोफेशन से संबंधित हो, हो सकता है आप अपना घर चेंज कर लें या सिटी चेंज कर लें या स्टेट चेंज कर लें, या आपने पीआर अप्लाई कर रखी है तो आप फॉरेन मूव कर जाएं। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ आपके साथ घटित होगी मंडे और ट्यूसडे को। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, पैसे की आवक बनी रहेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप किसी किस्म के शॉपकीपर हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये समय आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहने वाला है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है, ये फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और हर एक तरह से आपको खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन कर्ज की स्थिति साथ में बनती रहेगी। किसी न किसी कारण आपको कहीं से कर्ज लेना पड़ सकता है, किसी न किसी कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल। फ्राइडे सैटरडे आप बड़ी लो एनर्जी फील करेंगे, बड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, चीज़ें वैसे काम ना करेंगी जैसे करनी चाहिए। आपका हार्डवर्क आपका वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ना दे पाएगा। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क अपने प्रोफेशनल लाइफ में करना पड़ेगा। मार्केट से आप अच्छा बिजनेस निकालने में कामयाब नहीं रहेंगे, जिस वजह से सीनियर्स के साथ तू-तू मैं-मैं हो सकती है, या आपको आपके दिमाग में जॉब चेंज करने का कोई प्लान आ सकता है। तो अभी अच्छा समय नहीं है कि आप जॉब चेंज करें। आप जहाँ पर आएँ वहीं पर रहें। ये वीक आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है। सिर्फ प्लेस ऑफ चेंज को लेकर, चेंज ऑफ प्लेस को लेकर ये टाइम ज़रूर अच्छा है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो सैंडस मंडे ट्यूसडे को आपके लिए कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी कम्युनिकेशंस के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू। हो सकता है कुछ फॉरेन डील आप साइन करें, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें, विदेश में गमन आपका हो सकता है। विदेश में गमन आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ वेल्थ आपकी फाइन रहेगी, हर तरह से खुशियाँ आपको नसीब होंगी। आपका हार्डवर्क जो होगा वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। सिबलिंग्स से आपको सपोर्ट मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, हर एक तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, टीवी से जुड़े हुए हैं, या आप आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, तो कोई नई डील आप साइन करेंगे। फाइनेंस आपका अल्टीमेट रहेगा, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, हर तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। वेनसडे थर्सडे आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में आप कर सकते हैं या कोई नया व्हीकल बाय कर सकते हैं। फादर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी, फादर के साथ टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे, फादर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये सारा समय आपके लिए गुड फॉर्चून स्माइल करेगा। ये सारा समय आपके लिए आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। फ्राइडे सैटरडे आप लॉन्ग ट्रिप कहीं पे प्लान कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए कहीं विदेश चले जाएं, या आप बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित फॉरेन चले जाएं, जो आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, आपको लाभवांछित करेगा। ये सारा वीक आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, एक हैप्पी मोमेंट लेकर आ रहा है, एक पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आ रहा है, नई नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, हर तरह से आपको सुख समृद्धि और खुशियाँ मिलेंगी। अब बात करते हैं सेडिटेरियस सैंडस की। मंडे ट्यूसडे अपनी मदर का हेल्थ का ध्यान रख के चलें।
लें, मदर के साथ उलझे ना, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। अगर आप कुछ भी नेगेटिव सिम्टम्स मदर की हेल्थ में देखते हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करें, नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बेल्ट होते रहेंगे। वेनेसडे थर्सडे आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, या गड़ा हुआ छुपा हुआ धन मिल सकता है, या इनहेरिटेंस मिल सकता है। ससुराल वालों के साथ, इन लॉस के साथ आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे, या कोई आपको गिफ्ट इन लॉस की तरफ से मिल सकता है। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हैं। हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, जॉब में आप बहुत अच्छा बिजनेस निकालेंगे, सीनियर्स के साथ टाइप आपके अच्छे रहेंगे। इस सारा हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियल टाइप्स बहुत अच्छे रहेंगे, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये चार दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको मन मर्जी के मुताबिक आपको नौकरी मिल सकती है, हर तरफ से आपको एडवांटेज मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। स्टॉक मार्केट से अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेंस इस वीक में थर्सडे और फ्राइडे को आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस की। कैप्रिकॉन ये वीक आपके लिए स्पेशली मंडे ट्यूसडे अपने स्पाउस के साथ उलझे ना, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। फाइनेंस आपका अल्टीमेट रहेगा, वेल्थ आपकी फाइन रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपके सीनियर्स के साथ आपके टाइप बहुत अच्छे रहेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बेल्ट होंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, घर पे आप खर्चा कर सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, या कुछ लग्जरियस आइटम आप अपने घर के लिए बाय कर सकते हैं। वेनसडे थर्सडे आप क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करेंगे, अपने क्लीग्स के साथ स्पेंड करेंगे, वर्क प्लेस पर आपकी वाहवाही होगी, बिजनेस प्रोफेशन आप बहुत अच्छा निकाल लेंगे, मार्केट से काम बहुत अच्छा निकालेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया काम निकलेगा, हर तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी, आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। फ्राइडे सैटरडे आप मेंटली थोड़ा वीक फील करेंगे, डिप्रेशन टेंशन में आ सकते हैं, घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पेरेंट्स की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है, स्पेशली आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न करेगी, स्पाउस के साथ अनबन हो सकती है, तलखी हो सकती है, किसी किस्म का लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, अदरवाइज दिमाग का सुकून गायब हो जाएगा और दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। थोड़ा संभल के चलें, काली माता की उपासना करते रहें, जितनी ज़्यादा काली माता की उपासना करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। एक्वेरियस आपके लिए 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2022 का फोरकास्ट आपके सामने है। मंडे ट्यूसडे आपको कोई नई डील साइन नहीं करनी, अपने खर्चों की ओर ध्यान रख के चलना है। आपके खर्चे स्काई हाई होंगे जिस वजह से आपकी सेविंग्स हिल सकती हैं, परिवार का माहौल अच्छा नहीं रहेगा, आप किसी कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस सकते हैं, कोई मेंटली स्ट्रेस रह सकती है। अपने टैक्सेस और अपने बिल टाइम पे करें, अपने बिल और टैक्सेस को इग्नोर ना करें, अदरवाइज आप झमेले में फंस जाएंगे, आपको पेनल्टी लग सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। वेनसडे थर्सडे प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, फ्रिक्वेंट फॉरेन जर्नी आपकी हो सकती है, अचानक आपको विदेश यात्रा पे जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए आपके लिए एक अच्छे इवेंट लेकर आएगी। प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, सीनियर्स के साथ टाई अप आपके अच्छे हो जाएंगे, कोई बड़ा ऑर्डर आपको विदेश से मिल सकता है, फाइनेंस आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेगा, ओल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट मिलेंगे, हेल्थ वेल्थ आपकी फाइन रहेगी। फ्राइडे सैटरडे अगेन आप बाउंस बैक करेंगे, जिसमें आपकी सेविंग्स राइज करेंगी। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेंस इस वीक में वेनसडे से लेकर सैटरडे के बीच में आपको होने ही होने हैं, क्योंकि जुपिटर आपके लगन में है, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होने हैं, आपकी डेली इनकम बढ़नी है, आपके कंपटीटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, हर तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी, सुख समृद्धियां मिलेंगी। अब बात करते हैं पाइसिस सैंडस की। इस हफ्ते किस्मत आपके फेवर में है, मंडे ट्यूसडे आपकी मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होगी, धार्मिक यात्रा आप करेंगे मंडे ट्यूसडे, रिलीजियस एक्टिविटी आप करेंगे, हर तरफ से आपको खुशियां नसीब होंगी, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, फादर के साथ टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे, फादर से इनहेरिटेंस मिल सकता है, फादर से आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है, ये सारा समय आपको लाभवांछित करेगा, मॉनेटरी गेंस आपके बड़े अच्छे होंगे, रुक रुक के आपको प्रॉफिट्स मिलते जाएंगे। वेनसडे थर्सडे आपको कोई बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, फाइनेंशियल आपका स्टेटस राइज हो सकता है, नई गाड़ी आप बाय कर सकते हैं, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, ज्वाइंट वेंचर्स आपके बहुत अच्छे होंगे, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। फ्राइडे सैटरडे आप बहुत अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, मल्टीपल सोर्स से आप अर्न करेंगे, फाइनेंस आपका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रहेगा, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, सीनियर्स के साथ आपकी
आपकी बहुत अच्छी बनेगी, कलीग्स के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ये सारा वीक पाइसिस आपके लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है, फाइनेंस लेकर आ रहा है, गेंस लेकर आ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आ रहा है। जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते जाएंगे, ऑनेस्टी का दामन पकड़ेंगे, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट इस वीक में मिलेगा। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान आपके सिर पे तरक्की का ताज बख्शे, आपको आपको हर एक तरफ से सुख समृद्धि मिले और आपके जो हार्डवर्क हैं, आपके जो प्रयास हैं, वो उसमें आपको कामयाबी मिले। इन्हीं सब दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।